मित्रों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। आप जानते हैं वो वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या थी देश को संगठित करने की, एकीकृत करने की। 565 रियासतें जो अलग अलग अपना वजूद बिखेरे थी और वो किसी भी तरह से भारत के अंतर्गत आना नहीं चाहती थी। अंग्रेजों ने एक कूटनीति चली, जब देश को आजाद किया तो उन 565 रियासतों को ये कह दिया कि आप पाकिस्तान में भी जा सकते हो, भारत में भी रह सकते हो और आजाद भी रह सकते हो। परंतु मित्रों, 40% एरिया घेरे ये 565 रियासतें, क्या इनको देश के बाहर रखा जा सकता था? क्या देश को यदि संगठित बनाना था, क्या देश को यदि एकीकृत करना था, क्या देश को मजबूत बनाना था, एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो दोबारा से विश्व के ऊपर राज कर सके, तो क्या इन रियासतों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं था? मित्रों, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन सारी की सारी 565 रियासतों को एक सूत्र में बांध दिया, एक सूत्र में बांध कर भारत राष्ट्र को एक कर दिया, एकीकृत कर दिया, संगठित कर दिया। वो और कोई नहीं, वो थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज जानते हैं कि लौह पुरुष की ऐसी क्या खूबी थी जिसकी वजह से वो इतने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे पाए, जिसकी वजह से वो लौह पुरुष कहलाए, जिसकी वजह से वो सरदार कहलाए। मित्रों, जब देश आजाद हुआ तो देश के आगे बहुत सारी चुनौतियां थी। भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में शपथ ली, और इस जज्बे के साथ कि इस देश के ऊपर किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगा, इस देश के लोगों को भूखा नहीं मरने दूंगा, इस देश को वो मुकाम दोबारा दिलवाऊंगा जिसका ये हकदार है। 1875 आज का दिन 31 अक्टूबर, जब एक महामानव का जन्म नदियाड़ में गुजरात में हुआ। ये शिशु स्वाध्याय के जरिए पढ़ा, जिसने ब्रिटेन में जाकर, लंदन में जाकर वकालत की, अहमदाबाद में प्रैक्टिस की, गांधी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के अंदर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। सबसे पहले खेड़ा संघर्ष में काम किया, अपनी अगुवाई के अंदर उस आंदोलन को विजय दिलाई। फिर 1928 के अंदर जब बारतोली के अंदर किसान आंदोलन हुआ, तब गांधी जी ने इन्हीं की क्षमता पर विश्वास करते हुए इन आगे किया और इन्हीं की लीडरशिप में उस आंदोलन के अंदर इन्होंने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की। मित्रों, अंग्रेज चाहते थे कि 30% कर और लाद दिया जाए, परंतु ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं था। पटेल जी की लीडरशिप के अंदर उस आंदोलन में इनकी विजय हुई और जो 30% कर लगना था वो मात्र 6% पर रह गया। बारदोली के आंदोलन के बाद ही वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। मित्रों, सरदार का अर्थ होता है प्रमुख, जो अपनी लीडरशिप से, जो अपने दृष्टिकोण से, जो अपने प्रभाव से लोगों को चकित कर दे, जो अपनी क्षमता से लोगों का चेहरा बन जाए, उसे सरदार कहते हैं। मित्रों, इसके बाद 1931 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अपनी लीडरशिप के अंदर इन्होंने अद्भुत कारनामे किए, और सबसे बड़ा कारनामा तो देश को एकत्रित करने का किया। जब देश आजाद हुआ तो 565 में से 562 रियासतें तो जल्दी से इनकी लीडरशिप में, इनकी क्षमता से प्रभावित होकर इनके साथ आ गई। मित्रों, लेकिन तीन रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीन रियासतों ने आने से मना कर दिया। पर ये सरदार थे, ये हार मानने वाले कहाँ थे? इन्होंने इन पर चढ़ाई कर दी, जिससे हैदराबाद के निजाम को झुकना पड़ा, जिससे जूनागढ़ को इनकी शरण में आना पड़ा। बात सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की रह गई। नेहरू जी अगर बीच में नहीं आते, नेहरू जी ने अगर कश्मीर का मसला यूएन को नहीं सौंपा होता, तो आज जिस पीओके पर भारत का बहुत बड़ा पैसा, ऊर्जा और समय बर्बाद होता है, उससे हम बच जाते, भारत का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाता, भारत आज सोने की चिड़िया कहलाता, जो पाकिस्तान आज भी हम पर दाग बना हुआ है, जो आज हमें गीदड़ भभकियां देता है, पीओके के दम पर वो पाक अपना मुंह बंद रखता। लौह पुरुष सरदार की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि जो निर्णय ले लिया वो ले लिया, उसे पीछे नहीं हटते थे। आमतौर पर व्यक्ति की असफलता के कारण होते हैं संशय की स्थिति, भय की स्थिति, शंका की स्थिति, लेकिन सरदार एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर साहस, निर्भीकता कूट कूट कर भरी थी।
वो वाकई लौह पुरुष थे जिनको भय छू भी नहीं गया था, जिनको आशंका दूर दूर तक नहीं थी। एक बार जो ठान लिया वो कर दिया, इसीलिए वो लौह पुरुष कहलाए। वो लौह पुरुष जिसे आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं और जिनकी जयंती राष्ट्र आज एकता दिवस के रूप में मना रहा है। आओ आज उस महामानव को याद करें जिसने भारत राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया और दोबारा से भारत को विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त किया। मैं एक कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सरदार पटेल, आओ आज हम उस वीर की मिलकर जयंती बनाए, संगठित किया देश को जिसने, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाए, एक सूत्र में बांध भारत को, फिर लौह पुरुष बन जाए, सबके मन को मोहले जो वो महामानव कहलाए, सबके मन को मोहले जो वो महामानव कहलाए। लाडबा देवी माता थी इनकी, जबेर पुत्र थे ये कहलाए, सन 1875 में नद्याड़ में जन्मे, खूब किया सविधाए, लंदन से वकालत करने पर कार्यक्षेत्र गुजरात बनाए, अहमदाबाद में पटेल फिर एक नामी वकील कहलाए, गांधी जी की प्रेरणा पाकर स्वतंत्रता आंदोलन में आए, खेड़ा संघर्ष की अगुवाई की, खेड़ा संघर्ष की अगुवाई की, अंग्रेजों को चने चबवाए, बारडोली सत्याग्रह में कूदे, भारी लगान से छूट दिलवाए, किसान आंदोलन का किया नेतृत्व तो सरदार कहलाए, कांग्रेस के अध्यक्ष बने तब स्वतंत्रता की मशाल जगाए, रुकेंगे नहीं बढ़ते रहेंगे जब तलक देश आजाद हो जाए, उप प्रधानमंत्री बने देश के, गृह मंत्रालय की डोर थंभाए, चुनौती थी मुश्किल सामने पर तनिक ना वल्लभ घबराए, 565 रियासतों को एकीकृत किया बिना खून बहाए, साम दाम दंड और भेद सरदार सब नीतियों को अपनाए, शास्त्रों के ज्ञाता शस्त्रों के पुजारी पर अहम तनिक ना आए, आओ याद करें लौह पुरुष को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए, आओ याद करें लौह पुरुष को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए। मित्रों, मैं दोबारा से अपनी ओर से और VHC हेयर क्लिनिक की ओर से आप सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर और राष्ट्रीय एकता दिवस पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।